नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करता हूं। मैं भूल ही गया था यार शूट करना कुछ सुबह वाला सीन, जो ये वाला होता पार्ट, जो इंट्रो वाला, मतलब कि स्टार्टिंग में ब्लॉग स्टार्ट करने वाला पार्ट होता है, मैं भूल ही गया था। मैं बच्चों को तैयार करके लेट गया। मैं कंपनी थोड़ा लेट जाना है मेरे को, तो मैं ऐसे ही लोगों के ब्लॉग्स देख रहा था, तो मैं भूल गया कि मेरे को अपना खुद का ब्लॉग भी बनाना होता है ब्रो। तो मैं अपना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ ऐसा तो पटांग करता नहीं हूं, लेकिन हां जो है वो दिखा देता हूं। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं इस ब्लॉग के साथ। और टन 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 हाँ, बाद में कंटिन्यू करता हूँ भाई। देखते हैं आज आवाज कैसी आती है फोन के अंदर। मेरा माइक तो बंद हो चुका है, मैंने वैसे ही चल रहा हूँ मैं बिना माइक के। और मुझे कहीं जाना था, I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. You always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover up top, they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. Hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So sure, it's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. तो मैं अभी ना बैंक में आया था और पता कर लिया था बैंक में क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, मतलब कुछ था इशू ना, तो वहाँ तो चलो हो गया काम। फिर हॉस्पिटल आया था क्योंकि मेरे को अपनी वाइफ का ना स्टोन का ऑपरेशन कराना है। ये बहुत दिन से प्लान करा था, तो महीने कराएंगे और बच्चों छुट्टी पड़ जाएगी, तो उसके लिए भी मैं डॉक्टर के पास मिल के आया हूँ अभी। अब मैं जा रहा हूँ HDFC बैंक और वहाँ से अपना अकाउंट डिटेल लेके वापस फिर एक और बैंक भी जाना है मेरे को, फिर दूसरे वाले बैंक अकाउंट में बंद कराना था, खाता वो था, तो वहाँ जाऊँगा। तो अब मैं आपको व्यू दिखाता हूँ अपना इस बाइक से, जो मैंने हेलमेट में लगा रखा है ना इसे फंसा के। तो चलो ठीक है, देखते हैं कितनी आवाज़ आएगी। मैंने हेलमेट को करके बात करूंगा बीच में ना, तो चलते जाएंगे और बात करते जाएंगे, देखते हैं कितनी आवाज़ रिकॉर्ड, कैसी आवाज़ रिकॉर्ड होती है कैसी नहीं होती है। दूध वाले भैया पानी मिला रहे हैं क्या। दो चार दिन तक तो मेरी आदत पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है मेरे को ना हेलमेट, और एंगल का ही पता नहीं लगता अभी तो। और लग जाएगा एक दो दिन फिर हैबिचुअल हो जाएगा ये चीज़, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अभी लोगों को भी अजीब सा लगता है देखने में, क्योंकि मैं बोल चुका हूँ पहले भी कि भिवाड़ी के अंदर ऐसे हेलमेट में कोई नहीं कर रहा होगा, मैं ही कर रहा हूँ मेरे ख्याल से, मैंने किसी को देखा नहीं है अभी। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for. आगे जो चौक आने वाला है वो मनसा चौक है, और इधर से अलवर के लिए रास्ता चल जाता है उधर दिल्ली के लिए, और उधर भिवाड़ी में जहाँ से मैं आ रहा हूँ ये भिवाड़ी है, आगे भिवाड़ी है। Hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters. They're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover up top, they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it.
वही बैंक वाला काम भी हो गया है, वापस मैं जा रहा हूँ फूलबाग ईसआईपीएफ के काम के लिए। तो हेलमेट पहन लेते हैं और फिर चलते हैं। दोस्तों मैं आ गया हूँ ईसआई पीएफ के चलान के लिए संजय जी के पास में, और वो थोड़ा बिजी हो रहे हैं आज, पता नहीं क्या कंपनी में कोई एक्सीडेंट हो गया तो उस पर डिस्टर्ब ना रहे। चले जाएंगे अभी 10-5 मिनट में, फिर आएंगे मेरा काम करेंगे और एक दो नंबर इस वाला जो ये जो नया काम है ना उसी में पहली बार काम होगा, ईसआई पीएफ का चलान बनेंगे। तो अभी ये आने वाले हैं, उसके बाद हम काम स्टार्ट करते हैं। कितनी देर में आ जाओगे? मैं जाऊँ फिर फोन कर दोगे? मुस्का के रहे यार। चलो ठीक है चलता हूँ मैं। तो भाई मैं चल दिया हूँ वापस, अब कहाँ जाऊँगा? मैं जाऊँगा घर, ईसआईपीएफ का नंबर ले लेता हूँ और अगर कंपनी फोन करूँगा क्या काम हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो चलते हैं वापस घर। और मुझे बिल वाले के पास भी जाना था, बिल वाले से मैंने इमरजेंसी में 4 बिल निकलवा लिए और कहा आधे एक घंटे में आ रहा हूँ। उसके बाद उस दिन तो गया ही नहीं, कल भी नहीं गया और आज भी जाने का ऐसी लग रहा है वो कंपनी में चांस कम है। वो तो कहेगा यार बड़ा अच्छा आदमी अपना काम निकलवा के चला गया और बिल बुक बनवाने नहीं आया। लेकिन जाऊंगा उसी के पास में, ये बगल में बिजली बोर्ड है। ये वही रोड है जहाँ पे कल बिल्कुल भीड़ नहीं थी और आज देख लो आप। मेरे पास ना कंपनी से कॉल आ गया था, मेरा कोई बिल गलत बन गया था तो मैं जल्दी से भाग के फिर कंपनी पहुंचा था, मैंने वीडियो भी नहीं बनाई उस चीज़ की। और वो बिल ठीक करके वापस घर जा रहा हूँ अब, तो अब रास्ते की वीडियो बनाऊंगा। तो क्या करूँ यार, मैं भूल ही जाता हूँ, कुछ रेटों में दिक्कत आ गई थी, मैंने कुछ गलत रेट लगा दिए थे, इस वजह से मेरे को दोबारा जाना पड़ा। अब वापस घर चलते हैं। बात करता करता बाहर आया तो बाहर जाके देखा तो यहाँ पे बंदर आ चुके हैं और ये कभी गाड़ी को भी बैठा था वो पेड़ पे, वो देखो वो रहा, देखा
ये देखो ये बढ़िया मजे से मौज मार रहे हैं यार ये। वारंटी है भी नहीं घर पे, सारे अनार खा जाएंगे। नहीं खा जाओ, खा जाओ सारे खा जाओ, वैसे भी खाने लायक होती नहीं उस पेड़ पे। ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ मैं और बहुत देर हो गई, क्योंकि आज मैंने मोटो ब्लॉग टाइप का कुछ बना लिया था और मैं लगभग ऐसे ही बनाऊँ क्योंकि मैं बाइक पर ट्रेवल ज़्यादा करता हूँ, तो मैंने सोचा कि अब ये वाला ब्लॉग ही ज़्यादा चलेगा। तो उसके लिए मैंने जो भी अपनी क्लिप बनाई थी ना हेलमेट में मुझे लगा कि क्योंकि ना उसमें सुनना पड़ रहा है बीच बीच में कि मैंने कब क्या बोला था, और जब मैं कुछ बोलता हूँ तो उस क्लिप को रखनी पड़ती है, और बाकी इतना लंबा चौड़ा भी दिखा नहीं सकते ना क्लिप में कि पूरे रास्ते में अभी ये भी सोआ नहीं है, ये जब तक मैं एडिट करता हूँ तब तक ये सोता भी नहीं है, और कभी कभी तो मेरे को 12 बजे तब जाके ये सो जाता है उस बीच में, तो ये और 12 बजे जब मैं क्योंकि 12 तो बहुत ही सुबह होती तब सोता है, इसका शेड्यूल बहुत ख़राब है, ये लेट तक सोता है ना, मतलब लेट सोता है फिर लेट तक जगता है, तो सब ज़्यादा उठाने में टाइम इसी को लगता है, मेरे को लगी तो जल्दी जल्दी जग जाती है उसको, तो थोड़ा सा टाइम लगता है और सो भी बहुत जल्दी जाती है, उसको सुलाना भी नहीं पड़ता हमको, लेकिन इसको सुलाने में बहुत टाइम लगता है। तो चलो ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, टाटा। मैं उसको एडिट करके ना, आज नेट भी नहीं चल रहा भाई, मैं इसको एडिट करके छोड़ दूंगा, अपलोडिंग में कल सुबह लगाऊंगा, अगर सुबह नेट चला तो है ना, सुबह नेट चला तो फिर मैं आपसे अपलोड कर दूंगा भाई, बोलने देना यार प्लीज प्लीज तो चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और आप मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना यार, शेयर तो शेयर करने के लिए क्या कहूँगा, ब्लॉग कौन शेयर करता है, ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय।